दोस्तों कैसे हैं आप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में गुजराती मिठाई मोहन थाल बनाना सिखाएंगे। दानेदार मोहन थाल खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आइए मोहन थाल बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं मोहन थाल बनाने के लिए दोस्तों, ये 2 बाउल मैंने बेसन लिया है। ये हल्का सा दरदरा बेसन है और ये 1 बाउल मैंने चीनी ली है। ये बहुत अच्छा मेजरमेंट है, 2 बाउल बेसन, 1 बाउल चीनी और 1 बाउल सेम बाउल है ये, एक भर करके देसी घी है ये। और दूसरा है ये कटे हुए ड्राई फ्रूट है, जिसमें मैंने पिस्ते काटे हैं, बादाम काटे हैं और काजू। और ये 6 से 7 इलायची है, छोटी हरी इलायची है। और मैंने 1 कप में ये देखिए इसमें मैंने केसर घोल दी है, जिसका कलर बहुत अच्छा सा आ गया है। और इसको गलने देंगे ताकि और भी अच्छा कलर आ जाए। 1 कप मैंने दूध लिया है। अब मैं बनाना बताती हूँ आपको किस तरह से मोहन थाल बनाया जाता है। दोस्तों हम चूड़े बर्तन में थाली में इसको ले लेंगे। ये देखिए ये छना हुआ बेसन है, मैंने पहले से छान लिया था इसको चलनी में। अब हम इसमें ये देखिए घी है, इसको मैं डालती हूँ। ये करीब हमने 3 चम्मच घी इसमें ले लिया है। अब हम इसको अच्छे से मोइन देंगे। इसमें मैं दोस्तों ये थोड़ा सा दूध भी ले रही हूँ, ये भी 2 से 3 चम्मच है। दूध और घी का मोइन बहुत अच्छा लगता है इसमें, इसी से हमारे दाने पड़ेंगे। अब हम इसको दोनों हाथ से रब करेंगे इस तरह से। इसको चम्मच से नहीं हिलाएं, इसको दोनों हाथ से ही रब करके और इसमें मोइन दें। ये इसमें गोल गोल रवे दाना बन रहा है इसमें। दोस्तों ये देखिए बिल्कुल दानेदार हो गया है। ये दानेदार बेसन को मोइन लगाने के बाद में अब हम इसको करीब 5 मिनट के लिए इसको ढक करके रख देंगे। ये ढक करके रख दिया हमने दोस्तों। अब हम चलनी से इसको छान लेंगे। देखिए बहुत अच्छा छन रहा है ये। ताकि इसमें मोटे मोटे जो दाने रहेंगे ऊपर रह जाएंगे। इसको आप हाथ से मसलते हुए छाने। दोस्तों पूरा आटा हमने छान लिया है, देखिए कितना शानदार इसका कलर आ गया है अभी से। इसको हमने अच्छे से मोन लगा के छान लिया। अब अगला प्रोसेस हम करते हैं इसमें दोस्तों। ये 1 बाउल घी लिया था हमने, उसमें 3 चम्मच हमने मोइन के लिए निकाला था, बाकी का घी हम कढ़ाई में डाल देते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है, ये पूरा घी हमने डाल दिया है। अब घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। घी हमारा थोड़ा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये बेसन डाल देते हैं। ये पूरा बेसन हमने इसमें डाल दिया। हम पैचुले से लगातार इसको हिलाते रहेंगे, लगातार इसको चलाते रहेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको हल्का हल्का इसको सेकते रहेंगे, इसको रोकेंगे नहीं, नहीं तो हमारा बेसन जल जाएगा। इसको बराबर चलाते रहेंगे। दोस्तों देखिए इसमें शानदार कलर आ गया है। ये हम बराबर हिला रहे हैं इसको, बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर दी मैंने। अब ऐसी कंसिस्टेंसी में हम इसमें ये 1 कप दूध लिया था हमने, 3 चम्मच हमने मोइन में डाला था, बाकी का दूध है। तो ऐसे टाइम पर हम इसमें देखिए दूध डालेंगे और इसको बराबर हिलाते जाएंगे। ये देखिए
बराबर हम इसको हिलाते जाएंगे और इसमें दूध डालेंगे। ये लगभग आधा कप दूध हमारा पूरा लग गया इसमें और अब हम गैस बंद कर देंगे। दोस्तों गैस हमने बंद कर दी है और इसको लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है तो हमारा बेसन जलने की कगार पे आ जाए, इसलिए इसको बराबर चलाते रहेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। हम गैस से उतार देंगे। गैस से उतारने के बाद भी इसको हम 5 मिनट तक चलाते रहेंगे। यह शानदार खुशबू आ रही है दोस्तों, इसमें इतना फ्लफी हो गया है, ये देखिए बहुत हल्का हो गया है। या तो आप किसी में निकाल लें और नहीं तो फिर इसको चलाते रहें क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म रहती है। ये देखिए अब ये ठंडा होने आया और ठंडा होने के बाद में ये ऐसा हो जाता है। दोस्तों ये गैस ऑन कर दिया मैंने और ये है देखिए एक फुल बाउल भर करके चीनी है तो हम इसमें ये फुल बाउल से थोड़ा कम पानी ले लेंगे और इसमें यह चीनी डाल देंगे और चीनी को हिलाते हुए हम घोलेंगे। पहले गैस को थोड़ा तेज कर देंगे ताकि चीनी हमारी घुल जाए। तो ये इलायची जो हमने ली थी 7-8 इलायची, इसको हमने कूट के और क्रश कर लिया है। हम चाशनी को बराबर चला रहे हैं, हमें एक तार की चाशनी चाहिए। देखिए अभी हमारी एक तार की चाशनी बनी नहीं है, ये बन रही है, हमारी बन चुकी है। ये देखिए इस तरह का एक तार हमारा चलता हुआ नजर आ रहा है, पूरी तरह से एक तार चल रहा है। बस चाशनी हमारी कंप्लीट है। अब हम इसको चाशनी को हम हमारे मोनथाल में डाल देंगे, जो बेसन हमने तैयार किया था उसमें डाल देंगे और ऐसे टाइम पर हम इसमें ये जो केसर का घोल है ये हम इसमें डाल देंगे। दोस्तों साथ ही हम इलायची भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिल गया। अब दोस्तों हम थोड़ी देर के लिए गैस ऑन करके इस कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। ये चढ़ा दी हमने। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसको ज्यादा नहीं 2 मिनट के लिए हम इसको हिलाएंगे। देखिए जब यह जमने लगे तो गाढ़ा हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए आप हिलाएं इसको। ये देखिए पैन छोड़ने लगा है। इसी समय में अगर आपके पास मावा है तो आप मावे को ग्रेट करके इसमें डाल सकते हैं। इसी टाइम मावा डाला जाता है लेकिन मैं बिना मावा के बना रही हूँ। बिना मावे के भी ये बहुत अच्छा बनता है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। गैस मैंने बंद कर दी। अब मैं इसको घी से लगे हुए कंटेन में डाल देती हूँ। ये देखिए मैं इसको इसके मोटे मोटे पीस उतरे इसलिए मैं इसको टिन में जमा रही हूँ। मैंने घी स्प्रेड कर दिया इस पर। अब मैं इसको इसमें खाली कर रही हूँ। ये देखिए ये मैंने इसमें जमा दिया है। थोड़ा सा इसको टैप कर लेंगे। इसको टैप कर दिया हमने। अब इसमें हम ऊपर से ड्राई फ्रूट डालेंगे। इसमें दोस्तों बादाम और पिस्ते
और काजू की कतरन ये मैंने डाल दी है। अब हम इसको जमने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए मोहन थाल हमने कट कर लिया है और इसके पीसेज मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये शानदार पीसेज निकल गए हैं इसके। ये देखिए वो शानदार मोहन थाल बना है। मैं एक कट करके बताती हूँ आपको। ये देखिए ये कितना दानेदार बना है। अंदर से देखिए इसके एक एक दाना, एक एक दाना खिल रहा है। तो दोस्तों आप भी एक बार अवश्य ट्राई करें, मोहन थाल बनाएं, रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को खिलाएं, औरों को भी खिलाएं। दोस्तों मेरे मोहन थाल की रेसिपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्ते।